गोपू भी आया बारिश देखने। है गोपू, बारिश में ठंड लग रही है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा अभी हो रही है बारिश, इन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंड ठंड सी होने लगी है। फैन की जो स्पीड है ना, वो भी हमने एक कम कर दिया है। एसी तो बिल्कुल बंद है भाई। एसी में इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब एसी की नींद ही इतना ठंड हो जाती है। एंड हमारा जो है टॉप फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, एंड दोनों साइड हमारा ओपन बालकनी है, तो इतना ज़्यादा रूम ठंडा हो जाता है ना, मतलब मज़ा आ रहा है इस वाले वेदर में। गर्मी ना अच्छी भी नहीं लगती, वैसे भी ठंड आ रही है, ठंड के अलग ही मज़े हैं। तो दिल्ली में तो बहुत ज़ोर से बारिश हो ही रही है, लगातार आ रही है। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग कौन कौन से स्टेट से हैं, एंड आपके सिटी स्टेट में भी बारिश हो रही है, एंड वहाँ पर कैसे वेदर है, आप लोग कॉमेंट्स में बताइए। तो इतना प्यारा मौसम है, बस जल्दी से घर का काम करती हूँ, फ्री होती हूँ, फिर देखते क्या करना है। तो आइए आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। अभी उठी हूँ और बाहर आई हूँ, देखा इतनी तेज बारिश आ रही है आज। हाँ, तिरछी बारिश आ रही है, इतनी मतलब मजा आ रहा है, ठंड ठंड सी लग रही है। देखो कौन है हम देखने बारिश को, गोपू भी आया बारिश देखने। गुरु बारिश में ठंड लग रही है ना, गोपू को ठकर के हमने, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। देखो गोपू भी खुश हो रहे हैं, मोटर टूट गया ना मम्मी। हाँ। ये बारिश ही ठंड ले आएगी। पापा कैसे जाओगे, बारिश आ रही है बाहर। तो दो मिनट रास्ता है, पर ब्लॉग में हेलो कर दो, आप आते नहीं हो ब्लॉग में। हाँ, लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पापा कहाँ है। अरे पापा के पास जब मर्जी मिलने आ जाओ, आप आते ही नहीं ब्लॉग में, मैंने बता दिया भाई को ब्लॉग में नहीं आते। काम पापा से आ जाओ, मिल लो। हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। मैं आज बना रही हूँ माँ चने की दाल, लेकिन मैंने कहा उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बनाती हूँ। मैं थोड़े दिन पहले हरी मिर्च लेके आई थी बड़ी वाली अचार के लिए, तो अचार मैं बना नहीं पाई, तो मैंने सोचा अब मैं उनको काट के कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ हरी मिर्चें मोटी वाली पड़ी हैं, तो उनको मैं ऐसे काट के अपने हिसाब से आप काट सकते हैं, आपको जितना साइज चाहिए। तो मैं तो यहाँ के बिल्कुल ठीक साइज की, मीडियम साइज की काट रही हूँ कि आराम से बन जाए। तो यहाँ मेरे पास 12-13 हरी मिर्चे हैं, तो उन्हीं को मैं यूज कर रही हूँ। सारी मिर्चे यहाँ मैंने काट ली है। अब मैंने यहाँ पर लिया है जीरा और राई, और राई आधे चम्मच से भी कम है और जीरा भी आधे चम्मच से कम है। डालेंगे पैन में, जीरा और राई फ्राई हो चुके हैं। अब मम्मी ने कटी हुई हरी मिर्चे भी फ्राई पैन में डाल दिया है, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्की हल्की भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी आधे चम्मच से थोड़ा कम नमक, थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया जो है इसमें 1 चम्मच पूरा। इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, दूसरी लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। मिर्च तो ऑलरेडी तेज होती है, तो लाल मिर्च डालने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, ताकि मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। हमें गलानी बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्की सी सॉफ्ट करनी है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम मिर्चों को चेक करते हैं। देखिए मिर्च कितनी अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे, अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ आमचूर पाउडर नहीं है, तो मैं यहाँ डालूंगी नींबू का रस। मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे 1 मिनट भी नहीं, यानी कि आधे मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी, ताकि नींबू का रस वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बनने के बाद। 1 मिनट हो चुका है, अब हम देखते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिर्च सॉफ्ट हो चुकी है हल्की सी, और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको गैस का फ्लेम करते हैं बंद, और मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको एक बाउल में। मिर्च हो गई है रेडी, और देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, और दाल वगैरह के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो बन भी बहुत जल्दी गई है, बहुत जल्दी, 5 या 7 मिनट में कुक बन जाती है। दोपहर में आज मम्मी ने बनाई है माँ चने की दाल और उसके साथ में रोटी। जी अभी रिसीव हुआ है ये पार्सल जो है टिप्सी ब्यूटी से। आपको मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉग में भी दिखाया था कि मेरे पास गलत पार्सल आ गया था, जिसमें मुझे ब्यूटी ब्लेंडर रिसीव हुआ था, तो वो मैंने उन्हें रिटर्न करवा दिया था। एंड मुझे ये आया है ये पेंसिल,
और इसमें क्या है, ये 2-in-1 है, एक साइड इसमें लाइनर है और एक साइड इसमें काजल है। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देख सकती है इसमें एक साइड ऐसे ये काजल है और इसकी जो दूसरी साइड है उस पर ये फेल्टिक पेन है। तो 2-in-1 है, बहुत अच्छा है। मैंने अभी यूज़ करा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसका। मैं सोच रही हूँ इससे ना ग्राफिक लाइनर बनाऊंगी, वो मैं अपनी इंस्टाग्राम की जो रील आईडी है उस पर बनाऊंगी। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पूजा भाई पापा को चाय दे आती, ठीक है दे आओ। बारिश तो नहीं आ रही ना? हाँ पहले आ रही थी ना, मौसम भी तो ठंडा हो गया ना। ये क्या हो गया, कोई बाहर से लगा गया क्या कुंडी हमारी? मेरे को लग रहा है कोई बच्चा तो नहीं लगा गया कुंडी। ओ ये बच्चे नीचे खेलते रहते हैं। आंटी को बोल दो नीचे फोन करके ना, रुको मैं करती हूँ कॉल। आज हमने व्लॉग अपलोड कर रहा था जिसमें मम्मी का मेकओवर हुआ था। कल मैंने मम्मी का ये शूट किया था एंड जिसमें मम्मी ने न्यू लुक अपना दिया था। मम्मी बहुत टाइम से जीन्स वेस्टर्न वेयर का मोस्टली सोच ही रहे थे, तो हम बहुत टाइम से बोल रहे थे बट मम्मी पहनते ही नहीं थे। फाइनली मम्मी ने कल पहन लिया एंड बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं कि आंटी इज़ लुकिंग वेरी गुड, आंटी को यही पहनना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे। मम्मी तो मतलब 9 क्लाउड पे ही है कि मम्मी के लिए अब से मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। तो अच्छा लगता है, चेंजेस लाइफ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अच्छे चेंजेस हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एंड मुझसे ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि पैंट का हम कैसे ऑर्डर करें। तो आप लोग जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप मुझे डीएम कर सकती है। पैंट का जो प्राइस है मैंने बताया, शायद मैं भूल गई थी, 900 रुपीज़ का है। आप अपने किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग उसे स्टिच करवा सकते हैं, आप अपनी मेजरमेंट दे सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर में स्टिच करवा सकते हैं। तो ऑर्डर आपको प्लेस करना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर दीजिए, तो हम वहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगी। जैसा भी होगा आपको आगे का जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी, डिटेल्स होगी, वो मैं आपको वहीं पे बता दूँगी। एंड मम्मी और मैं ना आज बात ही कर रहे थे, तो हमने ना जैसे आपको पता है शादी के रिश्ते की बात हुई थी, मुझे लाइक उसमें ना बहुत लोगों ने सपोर्ट तो किया ही कि आपका डिसीजन सही है ये वो, बट कुछ लोगों के ना नेगेटिव कॉमेंट्स भी आए। मुझे पता है इग्नोर कर देना चाहिए बट से मतलब अच्छे नहीं लगते ना से नेगेटिव कमेंट्स। कईयों का आया कि आप अपने भाई की शादी करवा दीजिए, भाभी आ जाएगी। काकू मुझसे 3.5 साल छोटा है, वो लगता नहीं है मुझसे छोटा बट वो मुझसे 3.5 साल छोटा है, तो उसकी कैसे शादी अभी जल्दी करवा दे, अभी तो उसकी एज ही नहीं है शादी करने की। तो अभी पहले तो मेरी ही होगी, फिर उसके बाद काकू की शादी होगी। तो बहुत लोगों ने ये किया, तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया हो। सेकेंड कुछ कहा है कि आपको तो इतनी दिक्कत हो रही है, आपको बाहर नहीं जाना, तो ऐसा करो आप शादी ही मत करो, इतनी आपको अपनी मम्मी की चिंता है। तो शादी करना इट्स लाइक मैंडेटरी है, करनी ही करनी है। मेरे पास बंगलौर और कुछ लोगों का आता है कि अगर व्हाट इफ अगर शादी के बाद आपको शिफ्ट होना पड़े, शादी के बाद होना होता तो वो तब का ऑप्शन था। अब भी तो मुझे ऑप्शन मिल रहा है ना कि मुझे जाना है या नहीं जाना। शादी के बाद शायद मेरे पास ऑप्शन नहीं होता, मुझे वो करना पड़ता। अगर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो रहा है तो एनी हाउ मुझे जाना पड़ता, तब मेरे पास ऑप्शन नहीं था। बट अभी तो ऑप्शन है ना, तो अभी जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है तो मैं उससे तो पकड़ूँ ना। आगे के मैं फ्यूचर का सोच के, जो कि अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर है, उसके बारे में सोच के मैं अभी कैसे डिसीजन ले सकती हूँ। तो बस हमने यही डिसाइड किया है कि आप अब से जो भी रिश्ते रिश्ते की बात होगी मैं ऐसे ही ओपनली नहीं बताऊँगी। अब से सिर्फ अब आपको सीधा जब मेरा रोल का फाइनल हो जाएगा ना आप लोगों को तभी ही अपडेट मिलेगी ब्लॉग में, ठीक है? इट्स गुड, मेरे को भी मतलब ओपनली बताने के बाद कोई मुझे से नेगेटिव कमेंट करे तो अच्छा नहीं लगता। एंड मैंने यही सोचा है एज ऑफ नाउ, अभी अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं फोकस करती हूँ। ब्लॉगिंग चैनल का तो है ही, उस पर तो हम अभी काम कर ही रहे हैं, बट मैंने मेकअप चैनल भी स्टार्ट करा था बट मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। तो अब से मैं सोच रही हूँ, मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि ये वाला आप मेकअप कीजिए, आप बहुत मेकअप अच्छा करते हैं। तो मैंने सोचा अब से मैं कहते ना अच्छे एकदम सब जगह से ध्यान हटा के मैं अभी फ़िलहाल अपने चैनल पे फोकस करती हूँ एंड मैं ट्राई करती हूँ कि कल संडे है ना, तो संडे को कल मैं फ्री रहूँगी, कहीं जाना भी नहीं है। तो मैं कल सोच रही हूँ करवा चौथ का जो मेकअप है, करवा चौथ आने वाला है, वो ट्यूटोरियल शूट करती हूँ। एंड शादी का जो भी होगा आपको रोका जब हो जाएगा तभी पता चलेगा, अभी तो एज ऑफ नाउ अभी इसके अलावा तो कोई और रिश्ता अभी आया नहीं है।
एंड मासी सब यही कह रहे थे कि 2022 में अभी तो रुक जाओ, 2022 हम लोगों की फैमिली के लिए अच्छा नहीं आया, पहले मम्मी के साथ फिर मामा के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। एंड वैसे भी आगे पूरे फेस्टिव्स आने हैं, अभी करवा चौथ है, दिवाली है, दिवाली के बाद 5 नवंबर को पीयू का बर्थडे, तो मासी सेलिब्रेट कर रहे हैं, साई संध्या करवा रहे हैं। उसके बाद दिसंबर में हमारे बर्थडेज, हमारी पूरी फैमिलीज के बर्थडेज ही आ जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है सीमा मासी का, फिर मेरा, राधिका का, मम्मी का, ललिता मासी का, पांचों के, और संदीप जीजू का भी है, हाँ, अरमान मलिक का, मतलब उनका भी 15 दिसंबर को है बर्थडे। तो सबका मतलब 6 बर्थडेज हमारी फैमिली के दिसंबर में ही आ जाते हैं। उसके बाद क्रिसमस है, न्यू ईयर ईव है, भी बहुत सारी फेस्टिवल्स है। तो अभी मैं फेस्टिवल्स इंजॉय करती हूँ और अच्छा अच्छा से कॉन्टेंट क्रिएट करती हूँ, अपना मेकअप चैनल पर फोकस करती हूँ। तो अभी तो मेरी यही प्लान्स हैं, इस पर फोकस करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेकअप चैनल जो लोगों ने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप अभी मैंने 2 वीडियोज और 10 मेरे ख्याल से मेकअप शॉर्ट्स है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तब तक आपको रेगुलर उसमें वीडियोज मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।